किसी भी बात को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है बात करना, क्योंकि बात करने से ही बात आगे बढ़ती है। अगर आप किसी लड़की के साथ अपनी बात आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको पता ही होगा कि कितना जरूरी होता है हमेशा लड़की के साथ अपनी बातें जारी रखना। अगर आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ अभी अभी नया रिलेशन है या कोई लड़की आपकी नई नई दोस्त बनी है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप दोनों के बीच ऐसी बातें हो जिससे आप दोनों जल्दी से जल्दी एक दूसरे के नजदीक आ सको। पर ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिस पर बात करना लड़की भी सही समझे और आप दोनों की लंबी बातें चलती रहे? तो इसके लिए आज आपको बड़े ही कूल टॉपिक बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आप लड़की के साथ आसानी से बहुत लंबी बातें कर सकते हैं। ड्रीम, सपनों की बात है। हर इंसान के जीवन में बहुत कुछ करने के सपने हो सकते हैं। हर इंसान के सपने अलग अलग होते हैं, पर अजीब बात यह होती है कि हमें सिर्फ अपने सपने अच्छे लगते हैं, दूसरों के नहीं। आप खुद सोचिए, जब आप किसी को उसके जीवन के सपनों के बारे में पूछते हैं तो किसी को भी अपने सपनों के बारे में बताना कितना अच्छा लगता है। और खास बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि जब लड़की आपको आपके सवाल का जवाब दे तो उसको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और बताना भी चाहिए कि उनके सपने बाकी में कितने अच्छे, वो कड़ी मेहनत करके उनको पूरा भी कर लेंगे। उनके सपने कुछ भी हो सकते हैं, डांसर बनने का या कुछ और करने का। आपको उनके सपनों की इसलिए सराहना करनी चाहिए कि लड़की को लगेगा कि आप दूसरों की भावनाओं की कितनी फिक्र करते हो, आप उनकी कदर करते हो, आप दूसरों की भावनाओं की मजाक नहीं उड़ाते हो। उनकी पसंद के बारे में बात करो, हॉबीज के बारे में बात करो। आप लड़की को उनके हॉबीज के बारे में ज़रूर पूछ सकते हो, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ हॉबीज होता ही है। और इसके ऊपर बात करना इसलिए अच्छा लगता है कि हॉबी एक ऐसा काम होता है जो इंसान सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। जो काम करके आप अच्छा फील कर सकते हो उसके बारे में आप बहुत कुछ बात कर सकते हो और सामने वाले को भी उसके बारे में बता भी सकते हो। इसलिए आप लड़की से ज़रूर पूछें उन्हें फ्री टाइम में क्या क्या करना अच्छा लगता है। बस आपका सवाल पूछने की देरी होती है और लड़की आपको बताने लगती है उन्हें कैसी कैसी जगहों पर घूमना पसंद है, बारिश में भीगना पसंद है और ऐसा ही बहुत कुछ। अगर इनमें से कुछ ऐसा हो जो आप दोनों की सेम हॉबीज हो तो इस पर बात करने का बहुत ही मज़ा आ जाएगा। फैमिली के बारे में बात करो। डायरेक्टली आप किसी लड़की को उनके घर वालों के रिलेटेड बात करोगे तो शायद थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है। इससे ज़्यादातर लड़के ऐसे क्वेश्चन करना पसंद नहीं करते, पर लड़की हो या लड़का, किसी को भी अपने घर वालों के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। आप अपने घर की कोई बात करके इसी से रिलेटेड उनके घर वालों के बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि आप अपने घर के कल्चर के बारे में, अलग रीति रिवाज के बारे में, कुछ खास त्यौहार के बारे में बात कर सकते हो। जैसे कि आप उन्हें बता सकते हो कि आपको घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना कितना पसंद है और आप हॉलीडेज में क्या क्या करते हो वगैरह वगैरह। ऐसे क्वेश्चन के जवाब जब आप खुद अपने बारे में दोगे तो लड़की भी अपने बारे में बताना चाहेगी, अपने घर वालों के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताएगी। काम के बारे में बात कर सकते हो। कोई भी इंसान पूरे दिन में अपना ज़्यादातर समय कुछ ना कुछ काम करने में गुजारता है। हो सकता है कि लड़की स्टूडेंट हो या जॉब करती हो तो आपको उनके काम की या जॉब के बारे में बात करनी चाहिए। लोगों के पास अपने काम के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होता है। आप उन्हें पूछ सकते हो उन्हें अपने काम में क्या अच्छा लगता है और वो यह काम क्यों कर रही है, तो लड़की अपने काम के बारे में आपको बहुत कुछ बताएगी। ऐसे सवालों की अच्छी बात यह होती है कि जब आप उन्हें सवाल करते हो तो सवाल आपके लिए भी होता है, आप खुद भी इसी सवाल का अपना जवाब दे सकते हो और लड़की के साथ आप लंबे समय तक बात कर सकते हो।